हाय फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आज की हमारी हॉन्टेड स्टोरी शुरू करते हैं। कई सालों बाद चोरी के एक इल्जाम में हुई सजा काटने के पश्चात बद्री सिंह अपने गांव शैतानपुरम में लौटा था। यह गांव हमेशा से ही भूत प्रेतों की वजह से दूर दूर तक बदनाम भी था। बद्री सिंह के चार बच्चे थे, महेश, हितेश, रोहित और सीमा। गांव में आते ही आदत से मजबूर सबसे पहले वह जुआ घर में पहुंचा और शाम तक जितने भी पैसे पास में थे सब जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसको जुआ खाने से बाहर निकाल दिया गया। हारा हुआ बद्री मुंह लटकाए अपने गांव अपने घर आ गया। रात में बद्री गर्मी के मौसम होने की वजह से छत पर जाकर मच्छरदानी लगा कर सो गया। आपको बता दें कि यह वह गांव था जहां बिजली के खंबे तो हैं, पर उनमें सदियों से कभी लाइट रही ही नहीं। हाँ, पिछले कुछ महीनों से कभी कभार इस गांव में भी थोड़ी बहुत बिजली आने जाने लगी थी। इसीलिए बद्री को बचपन से ही छत पर हमेशा मच्छरदानी लगा कर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छुटी थी। इस रात भी वह छत पर अकेले ही सो रहा था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोलकर बाहर निकला और छत की रेलिंग के पर जाकर आसपास नजर घुमाई, तो उसे पीपल के पेड़ के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो बेचैन होकर आधी रात को घर से बाहर आकर टहल रहा होगा। और हाँ, एक बात और कि हमेशा की तरह आज भी पूरे गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली हल्की दूधिया रोशनी में बद्री को दूर से कुछ ठीक दिख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखाई देने वाली उस आकृति के सहारे ही अंदाजा लगाया था, वो भी अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करते हुए। बद्री अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया, पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींदम फिर से उसी अजीब आवाज से खुल गई। पर इस बार वह आवाज दूर से नहीं, कहीं नजदीक से ही आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो कुछ भी नजारा दिखाई दिया, उसे देखने के बाद उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा एक डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ चढ़ने की मंशा से बड़े गौर से देख रहा था। उसे देखकर बद्री नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में अब वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के ठीक दरवाजे पर खड़ा था। बद्री बड़ी ही आसानी से उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ने लगा। बद्री ने जरा सभी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। परंतु जब कोई शैतानी आत्मा 500 वर्षों से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर साधारण मनुष्यों द्वारा पढ़े मंत्रों का लेशमात्र भी असर नहीं होता। इसके लिए तो किसी पारंगत घोर तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती है। बद्री भागकर अपनी मच्छरदानी में घुसकर मुंह तक चादर ओढ़कर लेट गया। जरा से गैप से बद्री छत पर नजरें गड़ाए सब कुछ गौर से देख रहा था। वह साया छत पर आया, थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहला, फिर धीरे धीरे बद्री के बेड के करीब आ गया और पास आकर जोर जोर से सूंघने की कोशिश करने लगा। चादर ओढ़ लेने की वजह से वह बद्री की बॉडी की स्मेल जो उसे नीचे से आ रही थी, पर वह अब नहीं आ रही थी, तो वह चिंतित था कि आखिर वह इंसानी महक कहाँ चली गई। फिर उसने मच्छरदानी को स्पर्श किया, बद्री की तो जैसे सांस ही बंद हो चुकी थी। बद्री अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। शरीर इस गर्मी में भी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था।
फिर वो मेरी चार पाई के चारों तरफ थोड़ी देर तक चक्कर लगाता रहा। जब वह चक्कर लगा रहा था तक एक अजीब सी भयानक सी भारी भारी हमिंग की आवाज आ रही थी, जिससे बद्री के कान के पर्दे फटने को हो रहे थे। बद्री लगातार पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र अपने मन में बोले जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह भयानक आकृति अपने आप ही वहां से चली गई, परंतु जाते जाते वह लगातार बद्री की चारपाई की तरफ संदिग्ध निगाहों से देखते हुए जा रहा था, जैसे कि अगर जरा भी हलचल दिखाई दे तो वह फौरन आकर उसे दबोच ले। फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो आकृति अदृश्य हो गई। वह क्या था, कौन था और किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं चल सका। पर बद्री के कहने अनुसार वह साया अजीब से आकार का था, जिसके आर पार देखा जा सकता था। वह दो बड़ी बड़ी लाल भयानक आंखें थी, जबकि उस साये का अपना तो कोई चेहरा था ही नहीं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? एक सेकंड के लिए ध्यान से जरा सोचिए कि बद्री की जगह अगर कहीं आप होते तो ऐसे वक्त क्या करते। फिर अगले दिन सुबह बद्री अपनी आदत से मजबूर फिर से एक व्हिस्की बार में गया, थोड़ी सी वाइन पी और आत्तन पुनः जुआघर पहुंच गया, जहां पर से कल रात उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। गार्ड्स ने आज तो उसे अंदर आने ही नहीं दिया, बाहर ही बाहर से भगा दिया। बद्री काफी गुस्से में था, क्योंकि आज से पहले उसकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी, क्योंकि तब उसके जेब रुपयों से भरे हुआ करते थे। वह फिर से खूब सारे पैसे कमाने की सोचने लगा। फिर बद्री सिंह कुछ देर के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ देर के लिए ही उसकी आंख लगी थी कि उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। बद्री सिंह की अचानक गहरी नींद टूटने की वजह से वह थोड़ा गुस्से में था। उसने उठकर देखा तो वहां उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा पागल आदमी अकेला बैठा था, जिसके एक हाथ में तीन उंगलियां कटी हुई थी और वह बार बार एक सिक्का हवा में ऊपर उछाल रहा था और बाजू में देखकर किसी अदृश्य व्यक्ति से पूछता था कि बोलो हेड आएगा या टेल, और खुद के जीत जाने पर उछल उछल कर ताली बजाने लगता और हारने पर फूट फूट कर रोने लगता था। जबकि बेंच पर तो वह अकेला ही बैठा था, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके आस पास नहीं था, तो फिर वह बात किससे कर रहा था? बद्री ने सोचा कि ये तो कोई पागल ही लगता है। तभी उसकी नजर उस सिक्के पर पड़ी जो वह बार बार उछाल रहा था। खरा शुद्ध सोना था, पूरा 100%। सिक्का देखते ही बद्री सिंह उसके पास जाकर बैठा और वह सिक्का उससे छीनने की कोशिश करने लगा, पर छीन नहीं पाया। वह बूढ़ा आदमी उससे दूर जाकर खड़ा हो गया और एक छोटे से बच्चे की तोतली आवाज में बोला, मैं अपना थोना तिसी तो नहीं दूंदा, अगल तुम्हें भी ताहिए तो कब्रिस्तान में जाकर खुद निताल लो। जब तक वह सिक्का छीनता, उससे पहले ही उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो दोस्त हम कहीं और जाकर खेलते हैं, और धीरे धीरे चलते हुए गांव की ओर चला गया। बद्री को पूरा यकीन था कि वह बूढ़ा 100% पागल है, पर उसकी नजर में तो बार बार वह खरे सोने का सिक्का ही घूम रहा था। उसके बाद वह घर पर लौटा, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े की कही बातें और सोने का सिक्का ही घूम रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वह कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया, तो बद्री ने उस तहखाने में जाकर एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे भी वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा उस पागल के हाथ में था। फिर उसे उसके दादाजी की कही बात याद आई। कई सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे तब उनके मुंह में
सोने का सिक्का रखकर उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में विधिवत दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे यह प्रथा बंद हो गई थी और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहां आकर बहुत दूर बस गए। बाद में वह पुराना कब्रिस्तान कुछ अघोरी तांत्रिकों ने मंत्र तंत्र की शक्तियों से हमेशा के लिए इसे बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वहां कोई कदम नहीं रखता था। इतना सब कुछ समझने के बाद बद्री सिंह के मन में एक शैतानी ख्याल ने जन्म लिया। उस कब्रिस्तान में से सोना निकालने का ख्याल आया और उसने उसी रात तहखाने से खुदाई का सामान, मशाल और कुल्हाड़ी निकाल ली और चल पड़ा आधी रात अकेले ही मुर्दों को जगाने। रात के लगभग 2 बजे उसने बड़ी सावधानी से गांव पार किया और थोड़ा दूर जाने के बाद मशाल जलाई। कुछ ही समय में वह कब्रिस्तान पहुंचा और बिना किसी भूत प्रेतों और डर की परवाह किए उसने पहली कब्र खोदी, उसमें जिसमें एक बच्चे का कंकाल था। बद्री सिंह ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाल के वह सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होने लगी। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया हो तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। ये उसी बात का संकेत था, पर बद्री सिंह के आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। सोने के अलावा वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उसने और एक कब्र को खोद के कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। बद्री सिंह ने दोनों कब्रों को पहले जैसा मिट्टी से ढक भी दिया और उन पर एक खास निशान बनाया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। बद्री सिंह सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल आया, पर वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि उसने अपनी दर्दनाक मौत का भयानक खेल खुद ने ही शुरू कर दिया है। इसी तरह वह और 2 दिन कंकालों के मुंह से सिक्के निकालते रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज के अंत का एक सही समय निश्चित होता ही है। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात को होने वाला था, क्योंकि वह रात पूर्णिमा की थी, मतलब सारी काली शक्तियों के जगने की रात। बद्री सिंह हमेशा की तरह मध्यरात्रि कब्रिस्तान में पहुंचा था। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाल चुका था और इस बार उसने 6ठी कब्र खोदनी शुरू की और जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वह सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया और जम से बंद हो गया, किसी मगरमच्छ के जबड़ों की तरह, और उसकी उंगलियां उसमें बुरी तरह फंस गई। भय से बद्री सिंह को पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और वह धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसने जमीन पर बैठे हुए बद्री सिंह को भी अपने साथ खड़ा कर दिया। डर से बद्री सिंह की घिघी बंध गई। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़के देखा तब उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकाला था वह सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। वह दृश्य दिल दहलाने वाला था। सारे कंकाल उसकी तरफ धीरे धीरे चलते हुए चले आ रहे थे, पर असली डर और दर्द का एहसास बद्री सिंह को तब हुआ जब उसको अपनी उंगलियों के न होने का एहसास हुआ। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वह उसे चबा रहा था। बद्री सिंह खून से सना हाथ लेकर जमीन पर गिरा और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैरों से जान ही निकल चुकी थी। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगले ने बद्री की दर्दनाक चीखें सुनी और सब कुछ समाप्त हो गया। बद्री की दर्दनाक मौत हो चुकी थी।
कब्रिस्तान के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और अब हर रोज बद्री सिंह की आत्मा जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर अपने शैतानपुरम गांव की गलियों में घूमता रहता है, और आज भी घूम रहा है, और अकेले में ही कई लोगों से बात करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने के सिक्कों या अन्य वस्तुओं पर एक भयानक शाप हुआ करता था, जिसकी चपेट में बद्री भी आ गया। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता है, कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे या तो पागल कर देते हैं या मार डालते हैं। पर बद्री ना तो पूर्ण रूप से मरा ना ही पागल हुआ, वो तो जॉम्बी बनकर भटकता फिर रहा है, मतलब जिन कंकालों का सिक्का निकाला जाता है उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले को अपने ग्रुप में शामिल कर आजीवन हर वक्त उसके साथ ही रहती है और अदृश्य अवस्था में उससे बातें करते रहती हैं, एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती है। बद्री सिंह तो एक बहुत ही बुरा आदमी था, जो सिर्फ अपनी बुरी आदतों और लालच की वजह से बेमौत मारा गया और जीवन और मृत्यु के बीच जॉम्बी व प्रेतों की एक दुनिया में अनंतकाल तक के लिए फंस चुका है, जहां से उसकी वापसी कभी नहीं हो सकती।